अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज जो एस टी एस का पेपर हुआ तेईस जून दो हज़ार तेईस को उसके हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिए थे अब हम थर्ड पार्ट में इंग्लिश की एम सी क्यूज़ को कवर करेंगे तो आइए चलते हैं सबसे पहले सिनोनिम्स की तरफ क्वेश्चन नंबर एलेवन है पीपल बिकेम शाह लतीफ़ फॉलोअर्स यहाँ पर जो है फॉलोअर्स का सिनोनिम देखना है फॉलोअर्स का मान होता है पैरो जो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बनेगा वो होगा सपोर्टर्स एंड एडमिल्स तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है देयर वर काउंटलेस मुस्लिम्स प्रेजेंट विद द कैलिफ यहाँ पर जो है काउंटलेस का सर देखना है काउंटलेस का मानी है बेशुमार जिसे गिना ना जा सके तो इसका सारे नाम बनेगा नंबरलेस इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है रीराइट द कुरेक्टेड स्टोरी इन योर नोट बुक्स कुरेक्टेड का सर देखना है कुरक्टेड का मानी बनेगा जिसे ठीक किया जाए जिसे ठीक किया गया हो तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बनेगा सरनम होगा मेड समथिंग राइट इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड यहाँ पर जो है ब्रदरहुड का सरनम देखना है ब्रदरहुड का मानी है भाईचारा और इसका सरनम बनेगा फ्राटर्निटी यानी कि ब्रादराना तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर यहाँ पर जो है बोथ का सरनम देखना है फिर के लिहाज से जो मोस्ट अप्रोप्रियट सिलेड बनता है वो है द टू तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा अब जो है हम एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है गैस द गैस वर्ड द वर्ड मीन यहाँ पर जो है गैस का एंटोनिम बताना है उल्ट बताना है गैस का मैं होता है तुक्का वगैरह लगाना उसका उल्ट बनेगा मुकम्मल ठीक तरीके से बताना टेल एग्जैक्टली exactly. तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ऑल द कुरेश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम यहाँ पर जो है आल का उल्ट बताना है आल मतलब सारे ही नन मतलब कोई भी नहीं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है नन क्वेश्चन नंबर एटीन है द लास्ट बॉल वॉज डिसाइजिव द लास्ट का उल्ट बताना है द लास्ट यानी कि आखिरी द फर्स्ट यानी कि पहला तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है एज शी लोकड अ स्माइल केम टू हर लिप्स स्माइल का एंटीन देखना है उल्ट देखना है स्माइल का यहाँ पर उल्ट बनेगा फ्राउन तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द ओल्ड वोमेन रिलकटेंटली गाट अप फ्राम हर बेड यहाँ पर जो है रिलक्टेंटली का एंटनीम देखना है उल्ट देखना है इसके जो है दो करीब तीन एंटनीम्स हैं डेलीबरेटली और ईगरली लेकिन जो मोस्ट इसके करीब है वो है ईगरली यानी कि अपनी मर्जी से अपने मन से इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है अब हम देख लेते हैं एरर डिटेक्शन वाले पार्ट को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है देर आर मैनी मैनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर इस फकर्रे को अगर आप गौर से देखें तो मैनी मैनी दो बार लगा हुआ है यानी कि रिपीटेशन हुई है तो पहला मैनी तो ठीक है दूसरा मैनी नहीं लगेगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है देर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ लॉट ऑफ वीक्स आई स्टेड इन इंग्लैंड फॉर यहाँ पर लॉट नहीं लगेगा यहाँ पर यहाँ तो स्पेसिफिकली वीक्स बताए जाएँ कि कितने फॉर अ टू वीक्स फॉर थ्री वीक्स यहाँ पर लॉट नहीं लगेगा यहाँ मैनी लग सकता है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वेन वी वांट टू कन्वे अ रीज़न वी यूज वर्ड काज वेन वी वांट टू कन्वे अ रीज़न वी यूज वर्ड बिकॉज हम काज नहीं बिकॉज यूज़ करते हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है मनी डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज यहाँ पर देखें डू नॉट लगा हुआ है यहाँ पर लगेगा डज नॉट मनी डज नाट ग्रो ऑन ट्रीज तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है देयर फादर पेड दैम सम मनी टू नेसेसरीज देयर फादर पेड दैम सम मनी टू बाय नेसेसिटीज यहाँ पर नेसेसरीज नहीं लगेगा नेसेसिटीज लगेगा तो इसका ऑप्शन बी डी करेक्ट है इसके बाद बारी है प्रीपोजिशंस वाले पार्ट की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है टर्न डैश टर्न ईच स्टूडेंट शुड मेक एन आउटलाइन ऑफ एन ऐसे टर्न टू टर्न यहाँ पर टू लगेगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर एक क्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है गिव एन ओपिनियन डैश अ ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ पाकिस्तान गिव एन ओपिनियन अबाउट अ ब्यूटिफुल प्लेस इन पाकिस्तान यहाँ पर अबाउट लगेगा तो इसका ऑप्शन भी एक क्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है कंपेयर योर आंसर्स डैश योर पार्टनर यहाँ पर कंपेयर योर लगना था यहाँ से मिस्टेक हुई है उन्होंने यू लगाया हुआ है तो चलो यहाँ पर फिर भी कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर लगेगा यहाँ पर विद लगेगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है द स्विमर्स डाइव्ड इन टू द वाटर डैश अ हाइट ऑफ हंड्रेड फीट द स्विमर्स डाइव इन टू द वाटर फ्राम हाइट ऑफ हंड्रेड फीट यहाँ पर फ्राम लगेगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कुरेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी हैल डैश द स्टेयर्स एंड ब्रोक हीज लेग रुस्तम फेल डाउन द स्टेयर्स यहाँ पर डाउन लगेगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी कुरेक्ट है अब जो है हम सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है आई डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली डिनर सो आई वॉन्टेड टू स्लीप अर्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्लीप अर्ली यहाँ पर लगेगा बिकॉज आई वॉट टू स्लीप अर्ली तो इसका ऑप्शन यहाँ पर भी क्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है दे लेफ्ट होम अर्ली टू कैश द ट्रेन बट दे कार द ट्रेन बट दे डे नाट मिस द ट्रेन बट दे मिस द ट्रेन ड्यू टू ट्रैफिक जैम यहाँ पर जो मोस्ट अपोप्रिएट है वो सी ही है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है आवर नेबर्स सोल्ड देयर हाउस बिकॉज दे वांटड टू बाय अ न्यू वन एंड दे वांट टू बाय अ न्यू वन बट दे वानटड टू बाय अ न्यू वन यहाँ पर लगेगा बिकॉज दे वांटड टू बाय अ न्यू वन हमारे जो हमसाए हैं उन्होंने अपना पुराना घर जो है वो भेज दिया क्योंकि वो निया घर खरीदना चाहते थे तो इसका ऑप्शन यहाँ पर एक करैक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है द प्लेयर ट्राइड हिज बेस्ट टू कैच द बॉल बट द बॉल वैन टू द बाउंड्री फॉर फोर रन एंड द बॉल वेंट टू द बाउंड्री फॉर फोर रन बट द बाल वैन टू द बाउंड्री फॉर फोर रन जो प्लेयर था उसने बहुत कोशिश थी कोशिश की कि वो गेंद को कैच कर ले, लेकिन जो गेंद थी वो बाउंड्री के पार चली गई तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है इट इज़ बीइंग सनी एंड फाइन बट वी स्टेड इन वी इंजॉयड आवर सेल्वस इनडोर्स वो इवेंट आउटसाइड फॉर आ पिकनिक क्योंकि ये मौसम है वो सनी और फाइन था इसलिए हम बाहर पिकनिक के लिए चले गए तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा इंग्लिश का लास्ट पार्ट हमेशा होता है स्पेलिंग्स करेक्ट बताने होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है अप्रोप्रिएट के जो है वो करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं अप्रोप्रिएट के करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी ई तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है इन्फेरेंस के जो है वो करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं इन्फेरेंस के करेक्ट स्पेलिंग है आई एन एफ ई आर ई एन सी ई तो इसका ऑप्शन यहाँ पर मेरे ख्याल से बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है अपॉर्चुनिटी के जो है वो स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग होते हैं ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी यू आई तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है सोल के जो है सॉइल के जो है वो करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं सॉइल spell के स्पेलिंग होते हैं एस ओ आई एल तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है कोलिजन के जो है वो स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं कोलिजन के स्पेलिंग होते हैं सी ओ डबल एल आई एस आई ओ एन तो इसका ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट है इसके साथ ही इंग्लिश पार्ट भी इख्ताम को पहुँचा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा जजाक